अगर आपके वीडियो का बैकग्राउंड पसंद नहीं है तो उसको आप चुटकियों में रिमूव करके कोई दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम पहाड़ की चोटियों पे वीडियो बना रहे हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हम 7 स्टार होटल के लग्जरी रूम में वीडियो बना रहे हैं, तो आपको पहाड़ की चोटियों पे या 7 स्टार होटल के लग्जरी रूम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से अपने वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करके कोई दूसरा बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो शूट कीजिए तो आपके वीडियो का बैकग्राउंड कोई सिंगल कलर का होना चाहिए, जैसे ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, चाहे जो भी कलर आप जो शूट कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में आपका सिंगल कलर कोई होना चाहिए। ज़्यादातर लोग देखते हैं कि ये ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं, तो आप अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो वीडियो का बैकग्राउंड अगर ग्रीन कलर से लेना चाहते हो ले लीजिए। इसको सिंपली अपने मोबाइल पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ प्लस वाला आइकन जो इस पर ओके करेंगे, अपना जो रेशियो है वीडियो का वो चूज कर लेंगे। जैसे ये यूट्यूब के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो सिंपली 16:9 का रेशियो चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया में वाले में जाके जहाँ भी फोटो वीडियो है इसको आप इंसर्ट कर लेंगे। तो सिंपली हम चलिए यहाँ पर अपना जो बैकग्राउंड है इसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, जितना भी बढ़ाना चाहते हैं अपने वीडियो का लेंथ, अपने जो बैकग्राउंड हो उसको इस तरीके से घींच के बढ़ा सकते हैं। ऊपर वाला देखते हैं राइट का निशान है सही का, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना जो वीडियो इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेयर पे जाएंगे और मीडिया में जाएंगे, इस पर जहाँ भी आप वीडियो रख रखे हैं इसको सिंपली इसको वीडियो को सेलेक्ट करके इसमें ओपन कर लेंगे। इस तरीके से वीडियो को आप इस तरीके से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। या आप देख रहे हैं कि सीजर का ऑप्शन पहला ऑप्शन है, दूसरा है, दूसरा वाला ये ऑप्शन जो है इसमें आप इस वाले ऑप्शन पर जाइएगा तो ये आपका फुल स्क्रीन में ये आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको ऐसे ही रखें, इसको कुछ कट करें, छोटा बड़ा करके कट कर ले, तो सिंपली आप इसको कट कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद वीडियो पर राइट क्लिक करना है, इसका स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। यहाँ देखें क्रॉपिंग का ऑप्शन है, तो आप जितना भी वीडियो को आप कट या छांट करना चाहते हैं वो काट छांट इस तरीके से कर सकते हैं। इसका सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करिए, जितना भी बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कलर रख लीजिए या कोई और कलर बैकग्राउंड में रख लीजिए। तो सिंपली चलिए मैं आपको कोई दूसरा कलर बैकग्राउंड में रिमूव इसको डाल के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरा भी वीडियो डाल दीजिएगा। दूसरा वीडियो डालने के लिए बस वही करना है आपको, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, जहाँ भी हो वीडियो ऑडियो उसको चूज करके यहाँ पे टाइमलाइन में सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। और ये वीडियो है, वीडियो को आप इस तरीके से छोटा बड़ा या जहाँ भी रखना चाहते हैं इस तरीके से उठा के इसको रख सकते हैं। इसके बाद सिंपली मैं बता रहा हूँ कि इसको जहाँ भी रखना है इसको रख सकते हैं। इसके बाद सिंपली इसको जो वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ क्रोमा की का ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ इनेबल का ऑप्शन इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखिए आपका वीडियो का बैकग्राउंड जो ग्रीन था वो रिमूव हो चुका है। ये इसको आप ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट ये आपके वीडियो पर इफेक्ट डालता है, आपके वीडियो से खराब हो सकता है, तो इसको आप ज़्यादा नहीं कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, इससे भी अपने वीडियो को जो है कुछ सिचुएशन दे सकते हैं इसको आप बैकग्राउंड को रिमूव करने में। इसको यहाँ पे ओके कर देंगे, इसका देखिए आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसका इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए कितना शानदार लग रहा है ये वीडियो, ये लग रहा है कि कोई 5 स्टार होटल में है और ये लड़की जो है फर्श पे खड़ी है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो का रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। चलिए मैं अब इसमें बता देता हूँ कि इसमें अब भी ढेर सारा ऑप्शन है जिसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि इसका जो सिचुएशन कम बेसी ज़्यादा यहाँ पर वीडियो का कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और ऑप्शन आपको आ जाता है जिसमें यहाँ पर आप देखिए कलर फिल्टर का है, तो कलर वगैरह भी आप इसमें से अपना वीडियो का कलर वगैरह भी आप इसमें से दे सकते हैं, जो भी कलर देना चाहते हैं इस तरीके से अपना कलर भी दे सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है आपका, यहाँ अल्फा फिबिलिटी है, यहाँ रोटेट मिरर है जो मैं पहले बता दिया हूँ, एडजस्ट पे जाके अपने वीडियो को भी एडजस्ट वगैरह यहाँ से आप अपना वीडियो का कर सकते हैं। इस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रेस्ट घटा बढ़ा सकते हैं, सेचुरेशन घटा बढ़ा सकते हैं आपकी वीडियो का। तो ये यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है जो अपने वीडियो को बैकग्राउंड को करने के लिए यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। और मैं ये ऑप्शन आपको भाई पहले भी एक वीडियो में बता रखा हूँ, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके वीडियो में मैं आप चाहता हूँ कि एक लोगो ऐड हो, तो इसके लिए सिंपल लेयर पर जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और जहाँ भी लोगो रख रखे हैं उसको लोगो को सिलेक्ट करके इसमें ओपन कर देंगे। सो इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे, इस बार सिंपली आप जो लोगो है लोगो सेलेक्ट कर लेंगे, इसको जहाँ भी लोगो रखना चाहते हैं इस तरीके से इसको लोगो को जितना चाहे इसको छोटा करके आप इस तरीके से लोगो को रख सकते हैं। इस बार सिंपली आप वीडियो बड़ा छोटा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, इस बार देखिए आपका बहुत ही परफेक्टली तरीके से आपको ये शानदार लग रहा है और लग रहा है लड़की फंस गई है। तो सिंपली मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आपने देखा कितना शानदार तरीके से हम वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करके ये 5-star होटल में इस लड़की को मैं उठा के डाल दिया हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने जो फोटो हो वीडियो हो इसको बहुत ही आसानी से बैकग्राउंड को रिमूव करके आप यहाँ पे 5-star होटल, 3-star, 2-star या पहाड़ झरना कहीं भी आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव करके आप डाल सकते हैं। इसके लिए म्यूजिक लगाने के लिए यहाँ पे ऑडियो पे जाइएगा, ऑडियो पे जाने के बाद जो भी आपको म्यूजिक लेना है इसमें से आप म्यूजिक सेलेक्ट कर लेंगे और म्यूजिक आप बहुत ही आसानी तरीके से वहाँ पे सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला म्यूजिक ले लेता हूँ और मैं देखिए प्लस वाला आइकन में करूँगा तो ये बजना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये प्लस वाला आइकन भी कहते ऐड हो गया, यहाँ देख रहे हैं कि मैं इस पर प्ले करता हूँ। इस तरीके से इसको आप सुन भी सकते हैं, ये जो है आवाज़ वॉइस करता है इसको। अगर ये बढ़ गया तो सिंपली इसको ऐसे ही सेलेक्ट करके इसको बहुत ही आसानी से स्क्रॉल डाउन करके इसको छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है तो सिंपली इसको कट करके भी हटा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इसको कर्सर को दौड़ेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ देख रहे हैं ट्रिम स्प्लिट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि ट्रिम ऑफ राइट, इस तरीके को ओके करना है तो हट जाएगा। इसके बाद मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आपका जो बैकग्राउंड है इसका आवाज़ बेसी हो तो बेसी आवाज़ करने के लिए, कम बेसी करने के लिए आप यहाँ से कम बेसी कर सकते हैं। तो इसको आप 30% तक रख सकते हैं, 30-25 के बीच में आप इसको इस तरीके से इसको रख सकते हैं। इसके बाद मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। सो इस तरीके से बहुत ही आसानी से कोई अपना वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, साउंड लगा सकते हैं। और इसके बाद सिंपली आप इसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो जो आइकन देख रखे हैं ऊपर, ये आइकन वाला पर क्लिक करेंगे। इस क्लिक करते ही आपको सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं रिसोल्यूशन, यहाँ फुल HD 1080 पिक्सल भी यूज कर सकते हैं। अगर यूट्यूब के लिए आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि HD आप यूज कर सकते हैं, मतलब HD का फुल फॉर्म हो जाता है। HD का ये हाई डेफिनेशन, तो ये HD का फुल फॉर्म हो जाता है 720। इसके बाद 480 भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेम रेट आप अगर 1080 MP यूज करते हैं तो 30 रखिएगा, अगर यूट्यूब के लिए आप यूज करते हैं तो 720, और यहाँ पे आपको 24 सिनेमा रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे लो हाई अगर इसको कर रहे हैं तो इस तरीके से आपके वीडियो का साइज भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको जितना बड़ा इसको बढ़ाइएगा उसका वीडियो का साइज आपका बढ़ जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ 5 कुछ ही रख लेना है। इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है, ये वीडियो के साइज पर डिपेंड करता है, आपके जितने बड़ा वीडियो रहेगा उतना टाइम ये एक्सपोर्टिंग होने में लेगा। इस तरीके से आपका कोई भी वीडियो हो उसका बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपने वीडियो का जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव कर सकते हो और अपने जो भी प्रोजेक्ट है आप उसमें आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप अपने वीडियो का यूज कर सकते हो। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम मोबाइल फोन से घर बैठे अपने वीडियो का बैकग्राउंड को रिमूव करके कोई दूसरा बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।